कमाल। का करले थसरे टेंशन, अरे का करले थसरे टेंशन, जब अफसर बनके ते घर पे कमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो स्टूडेंट्स, सीट एट की इस तीसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमारी दो कक्षाएं कंप्लीट हो चुकी है, आज ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखा है बाकी के, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, तभी आपको आगे का लेक्चर या टॉपिक क्लियर होगा। हम आगे बढ़ने से पहले कल जो टॉपिक पढ़े थे, चूँकि कल हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टॉपिक से रिलेटेड थे, साथ ही हम ऐसे ट्रीज देखे थे, ऐसे प्लांट्स देखे थे जो सीट एट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि हमने रेगिस्तान ओक को देखा था और क्रोटोन को देखा था। आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे कि रेगिस्तान ओक होता क्या है। तो हमने देखा था कि रेगिस्तानी ओक एक ऐसा प्लांट है जो कहाँ पाया जाता है, जो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। साथ ही इस पेड़ की लंबाई लगभग 4 मीटर होती है और ये अपने लंबाई के लगभग 30 गुना क्या होता है, नीचे तक जाता है, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं। और इमरजेंसी होने पर मतलब जब वहाँ के लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है तो एक पतला पाइप डालकर ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से पानी की व्यवस्था करते हैं। साथ ही इस पेड़ में पत्तियाँ बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर। और हमने देखा था कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एलोक्सू अरीना है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेगिस्तानी ओक कहते हैं। मैंने रिपीट किया था कि हो सकता है आपका एग्जामिनर इस बार नया क्वेश्चन कर दे कि रेगिस्तानी ओक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा एलोकशू अरीना इसका क्या है, आपका वैज्ञानिक नाम है। पूरा नाम क्या है इसका, एलोकशू अरीना डिका सेनेना, तो ये नाम आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्रोटोन पौधा देखे थे, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा कि जब कभी कभी उस इलाकों में पानी का अकाल होता है तो वहाँ के लोग इस पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तना है और इसमें पतला पाइप डालकर क्या किया जा रहा है, पानी को निकाला जा रहा है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, हमने देखा था। नाम पे मत जाइएगा क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेगिस्तान ओक है मतलब ये हमें कहाँ मिलेगा, रेगिस्तान में मिलेगा। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज भी करेगा, तो याद रखिएगा अगर पूछे कहाँ पाया जाता है तो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हमने कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी समझा था, आगे बढ़ेंगे। हम देख रहे थे क्रोटोन कि क्रोटोन एक ऐसा पौधा है जो जमीन के स्तर को बताता है, साथ ही क्रोटोन हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखता है, अर्थात ये हमारे आसपास पाए जाने वाले जो हानिकारक तत्व होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, उन्हें सोख लेता है, जिसके कारण हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट क्या रहता है, साफ सुथरा स्वच्छ रहता है। ये क्या होता है, कलरफुल होता है। मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको, मुझे अब बताइएगा कि इसका कलर रंग बिरंगा क्यों होता है, इसकी पत्तियों का रंग, तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आपने जाना कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, किंतु पत्तियों का जो ये रंग बिरंगा आप कलर देख रहे हैं, जो अदर कलर्स देख रहे हैं, वो किसके कारण होता है, ये आप लोगों को बताना है। क्रोटोन पौधों के बारे में हमने कल क्या देखा था, तो क्रोटोन पौधों के बारे में हमने देखा था कि ये जमीन की दशा को बताते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं कि जमीन हमारा जो मिट्टी है वो सूख गया है या अभी भी उसमें नमी बाकी है। अगर वो सूख गया है तो निश्चित रूप से क्रोटोन पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी सूख जाती हैं, अगर उसमें नमी बाकी है तो वो भी हरी भरी रहती है। इनकी जड़ें जमीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है, ये भी हम कल देख चुके थे। जब मिट्टी सूखने लगता है तो इसकी पत्तियाँ भी सूखने लगती हैं और झरने लगती है, इससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख गई है या अभी भी उनमें नमी बाकी है। हम यहाँ तक कल देख चुके थे, ये आपके इन्वायरमेंट को बता रहा है, जैसा कि आप अपने इन्वायरमेंट को या अपने आसपास के वातावरण को खूबसूरत या स्वच्छ बनाए रखना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से क्रोटोन पौधा लगा सकते हैं।
चलिए हमारा क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, आप लोगों को आंसर बताना है। चूंकि अभी हम जस्ट क्या करें हैं, क्रोटोन पौधों के बारे में समझे हैं, अब इसका आंसर आपको बताना है। क्रोटोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, हमें क्या बताना है, सही है बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका यह फसलों के साथ बोया जाता है, दूसरा है इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती है, यह फसल की सिंचाई आवश्यकता को बताता है। तो आपको इसका आंसर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है। तो कौन सा पौधा बताता है आपका, समुद्रित पौधा बताता है क्या, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये पौधा तो हमें नहीं बताता है। एक सेकेंड, हाँ तो हम क्या देख रहे थे कि समुद्भिद पौधा तो ये क्या करता है, ये सामान्यता सभी जगह पाया जाता है, हमने देखा था कि समुद्भिद जो पौधा होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है, साथ ही हल्का सा भी अगर मिट्टी में नमी होती है तो ये पौधा क्या करता है, जी जाता है। जलोद्भिद पौधा क्या करता है, तो ये जल में पाया जाने वाला पौधा होता है, तो इन दोनों का तो ऐसा कोई काम नहीं है, ये लोग जमीन के स्तर को या सिग्नल नहीं देते हैं, ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ पौधों के एक प्रकार है, एक ग्रुप है कि इस तरह इनको कैटेगरी में बांटा गया है कि अगर जो नॉर्मल स्टेज में होते हैं, जो थोड़े से नमी में सर्वाइव कर लेते हैं वो समुद्भिद कहलाते हैं, जो जल में रहते हैं वो जलोद्भिद कहलाते हैं। साथ ही आपका क्रोटोन दिया है, तो क्रोटोन के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो क्रोटोन पौधा है वो क्या होता है आपका, ये हमें बताता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है, फसल को पानी की कब आवश्यकता है, मतलब इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि क्रोटोन पौधों की सहायता से हम जान सकते हैं कि मिट्टी अभी सूखी है या नहीं सूखी है, या उनमें अभी नमी बाकी है या नहीं बाकी है। आगे बढ़ेंगे हम, खेजड़ी क्या है, ये खेजड़ी, अभी हमने क्या देखा, रेगिस्तानी ओक को समझा, हमने क्रोटोन पौधों को समझा, अब हम क्या समझेंगे, हम खेजड़ी को समझेंगे। खेजड़ी भी एक प्रकार का क्या है, सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ट्री है। खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव व रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। आपके लिए एक सवाल बन गया कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है, अर्थात खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। ये कहां पाया जाता है, तो ये आपके रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तान में मीन्स आपका राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही ज्यादा क्या होता है, सूखा होता है। खेजड़ी का नाम याद रखना है। अब देखिए एक चीज, अभी तक सीटेट जो एग्जामिनर है ऐसा आपको ना देखने को नहीं मिलेगा, ये क्या हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़कर चल रहे हैं कि अगर एग्जामिनर आपको सिलेबस में दिया है तो वो कहीं से भी घुमाकर पूछे तो आप लोगों को वो बन जाए। तो अब खिजड़ी वृक्ष के बारे में बोला, तो हमें खिजड़ी में बस इतना नहीं जानना है कि ये कहाँ का है, रेगिस्तान का है, और क्या है खिजड़ी, तो हमें एक चीज ये भी जानना है कि इसका अन्य नाम क्या है, साथ ही रेगिस्तान का इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो ये सब भी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा खिजड़ी का अन्य नाम क्या है, छोकरा इसको कहाँ कहा जाता है, आपकी यूपी में कहा जाता है। याद रखिएगा आपके जो खेजड़ी वृक्ष है उसको यूपी में छोकरा कहा जाता है, आपको पंजाबी में जंड कहा जाता है, और कांडी सिंध भाषा में कहा जाता है, वर्णी तमिल में, और सुमरी आपके गुजराती भाषा में कहा जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये अन्य नाम है। अगर हम बात करें तो आपका खिजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो भारत के रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है। तो रेगिस्तानी एरिया कौन सा है आपका, एक राजस्थान है। तो निश्चित रूप से ये वृक्ष कहाँ मिलेगा हमको, आपके राजस्थान में मिलेगा। इनको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब आप लोग इतना में सोच सकते हैं कि निश्चित रूप से जो पौधे आपके रेगिस्तान में पाए जा रहे हैं तो उन्हें पौधों की पानी की आवश्यकता क्या होगी, नहीं होगी, और इनमें क्या होगा, पानी की भी हानि कम होगी, ये कम पानी में ही क्या कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। तो उनमें से खिजड़ी एक ऐसा पौधा है जो कम पानी में सर्वाइव करता है, साथ ही ये हरा भरा भी रहता है, तथा क्या कहा जाता है, इसकी फलियों से सब्जी भी बनाई जाती है। याद रखना है आप लोगों को कि इनकी जो फलियां होती हैं उनसे सब्जियां बनाई जाती है। तो हमें तीन चीज देखने को मिला, एक तो ये देखने को मिला कि जो आपका खिजड़ी वृक्ष है उसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, फिर हमने इसका अन्य नाम देखा, साथ ही हमने क्या देखा, हमने देखा कि रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है।
और इनकी फलियों से क्या बनाया जाता है, सब्जी बनाया जाता है। यह राजस्थान में पाया जाता है जहां पर इस वृक्ष की अधिकता के कारण इस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा है। तो याद रखिएगा, इसकी अधिकता के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, खेजड़ी पड़ा है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। मतलब ये बेस्ट क्वालिटी का क्या होता है, लकड़ी होता है। ये ऐसी लकड़ियों में से एक है जिनमें कीड़ा नहीं लगता है। तो याद रखिएगा, आपसे अगर एग्जामिनर सवाल करता है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं लगती है, ऑप्शन ए रेगिस्तान ओक, ऑप्शन बी खिजड़ी, ऑप्शन सी आपका क्रोटोन, या ऑप्शन डी बरगद, तो क्या लगाएंगे आप? तो आप लगाएंगे क्या, खिजड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इट्स फाउंड इन द डेजर्ट रीजन्स ऑफ आपका इंडिया। तो ये वही सब चीजें हैं। आप लोग इंग्लिश में भी इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में देने का उद्देश्य ये है ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के जो लोग होते हैं वो दोनों में ही आपका नोट्स कंप्लीट कर सकें। इसके पीछे एक कहानी है जो बहुत प्रसिद्ध है। तो हुआ क्या था कि इसका जब पेड़ का कटाई हो रहा था उस समय की बात से ये संबंधित है ये स्टोरी, तो ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या था कि सन 1731 की बात है। कब की बात हो रही है, 1731 ईस्वी की बात हो रही है, जिसमें राजस्थान का एक जगह है जोधपुर। तो वहां पर अमृता देवी नाम की एक क्या थी, महिला थी, जिसने खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, फैक्ट है। इसी के बलिदान पर हमारे भारत सरकार द्वारा अवार्ड भी दिया जाता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के क्या आई कि इसका नाम एक गांव था, आपका समझ सकते हैं हम लोग कि राजस्थान का एक जगह जोधपुर, जोधपुर में कौन सा जगह आपका, खेजड़ली, एक गांव था आपका खेजड़ली। तो वहां पर खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए आपकी जो अमृता देवी विश्नोई थी वो क्या की थी, खुद और उनके साथ 363 लोग थे। कितने लोग थे, 363 लोग थे। वो लोग भी क्या किए, पेड़ से चिपक गए पेड़ को बचाने के लिए, और बड़ी ही बेरहमी से उनका क्या किया गया, कत्ल कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। तो उन्हीं की याद में क्या किया जाता है, हर साल भारत सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि लोग कितने बेरहम होते हैं कि जान जाए पर पेड़ की कटाई ना जाए। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी विश्नोई जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया। तो दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया, भारत सरकार ने अमृता देवी विश्नोई जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर यहां से भी सवाल कर सकता है। इनकी फलियों से क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सब्जी भी बनाया जा रहा है। तो अपने आप में ना खेजड़ी वृक्ष बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं हर तरह से इसका एक अपना इतिहास भी रहा है, इसका उपयोग खाने में भी किया जाता है, साथ ही राजस्थान का अपने आप में कल्प वृक्ष है। क्यों, क्योंकि ये साल भर हरा भरा रहता है। तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज थी। खेजड़ी जो खेजड़ली गाँव है, ये घटना कहाँ हुई थी आपका, खेजड़ली गांव में हुआ था। तो खेजड़ली गांव के जो बुजुर्ग है ना, उनका भी एक कथन है। कथन क्या है, कथन ये है कि पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं किंतु हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो ये वहां के बुजुर्गों का कथन है। एक सवाल है, अमृता देवी विश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने खालिस्तान में स्थित खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो यहाँ पर जगह पूछा, कहाँ पर स्थित है ये खेजड़ली गांव? तो हमने देखा कि ये कहाँ पर है, राजस्थान के जोधपुर में। हमने अभी पढ़ा था कि राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली आपका एक गाँव है, वहीं पर यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, अपना बलिदान किया था। खेजड़ी एक क्या है, छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह किस प्रदेश में पाया जाता है, तो मैदानी में कि पर्वती में
कि मरुस्थली में कि इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान आपका मैदानी में तो नहीं आता, पर्वत में भी नहीं आता, ये कौन सा आपका एरिया? मरुस्थली एरिया है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगला है खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथन को चुनिए, ये आपके क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको देना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल आपको खुद भी आंसर देना है। चलिए मैं आंसर नहीं बताती हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को खुद इसका आंसर बताना है। तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान एरिया में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों का सवाल है। बात करते हैं हमारा जो चौथा पेड़ है, या कह सकते हैं सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री है, जिसके बारे में हम देखेंगे, बरगद। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, बरगद से एक बात याद आई जो मैं आपको बताना चाहूंगी। पूरे विश्व में हमारा भारत, भारत का मेघालय एक ऐसा जगह है जहां पर इसकी जड़ों से जीवित पुल बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है? तो वहां पर जीवित जड़ों का पुल बनाया जाता है, आपका जो बरगद वृक्ष होता है उसकी जड़ों को क्या किया जाता है, वहां के जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग, काट काट कर पुल का निर्माण करते हैं, और वो पुल बनने में लगभग 15 साल लगता है उसे, और वो पुल जब बनता है तो उसके बाद आप उसे निष्फिकर होकर छोड़ दीजिए, 500 साल तक वो एकदम कह सकते हैं टिका रहता है, साथ ही ये अपनी मरम्मत खुद करता है। अगर कोई शाखा टूट गई है तो फिर नई शाखा उसमें आती है, फिर टूट गया तो फिर नई शाखा, मतलब क्या कह सकते हैं हम, 500 से भी ज़्यादा साल तक आपका ये चलता रहता है। तो वहाँ के स्थानीय लोग इसको बनाते हैं, साथ ही आप लोगों ने एक से बढ़कर एक पुल देखा होगा, आप कांच का, आप लोहे का, लकड़ी का, हर तरह का पुल देखे हो, वो बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन ये पुल जो है इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, साथ ही ये कह सकते हो आप कि एकदम नेचुरल पुल है जो हमारे भारत में पाया जाता है, तो ये अपनी एक क्या है, विशेषता है। चलिए बात करते हैं बरगद की। तो बरगद एक विशाल का वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है, साथ ही ये पुराने वृक्षों में से एक है। कौन? आपका बरगद। इनकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं जिनको स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। स्तंभ जड़ क्यों कहा जाता है? यहां पर स्तंभ जड़ का मतलब ये है कि जो आपको क्या करती है, बेस प्रदान करती है। ये अगर आपका पेड़ है तो ये सब जड़ें निकलकर इसको क्या करती हैं, सहारा देती हैं। ये देखिए, ये आधार प्रदान करती है, ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये सब आधार प्रदान करती है, तो ये क्या है, इसकी क्वालिटी है। बरगद सबसे पुराने पेड़ों में से एक है, यह पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहता है, हमारे दादा परदादा परदादा के, मतलब जाने कितने पुराने पुराने लोग इसको देखते हैं, हमारे परदादा लोग भी इसी में खेले रहते, फिर हमारे दादा लोग, फिर हमारे पापा लोग, फिर हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां, तो इतने सालों तक ये पेड़ जीता है। बरगद का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है। हमने इसके पहले क्या देखा था, रेगिस्तान ओक का वैज्ञानिक नाम देखा था, आपको रेगिस्तानी ओक का वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कि आपका भी एक होमवर्क है। मैं इसलिए बीच बीच में सवाल करती हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, साथ ही आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, आप यहाँ क्लास देखें और आपको तुरंत तुरंत चीज़ें याद हो जाए, यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। नोट्स बनाते चलेंगे। अब हम बात करते हैं घटपर्णी निपेंथिस की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, यहां से भी आपके एग्जामिनर सीधा सीधा सवाल कर लेते हैं, क्या है समझेंगे। तो घटपर्णी निपेंथिस, यह पेड़ कीड़े मकोड़ों, मेढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है। कैसे खा जाता है, कि क्या करता है ये, सबसे पहले इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कीटभच्छी पौधा भी कहा जाता है। सबसे पहला सवाल कि कीटभच्छी पौधा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कीटों का भक्षण करता है, इसलिए हम इसे कीटभच्छी पौधा कहते हैं। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा स्मेल वो करते हैं, एक कहते हैं स्मेल, उसके द्वारा ही क्या होते हैं, जो आपके बाकी कीट होते हैं वो आकर्षित होते हैं। तो एक मटके जैसा इसका शेप होता है, जैसे आकर्षित हुए ढक्कन बंद कर देता है, तो ये ऐसा पौधा होता है, फिर ये भक्षण करता है उनका। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है, इस तरह से कह सकते हैं,
ये पौधा अच्छा नहीं बन रहा है, एक मिनट, ये कह सकते हैं ये ढक्कन है और ये कुछ इस तरह से ये पौधा रहता है और ये ढक्कन भी लगा सकते हैं, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अभी आप लोग देखिएगा, इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधों के पास आ जाते हैं। ठीक, देखने इमेज, इमेज भी देखेंगे हम, यहाँ पास था इमेज, ये देखिए ये क्या होता है, मटके की तरह होता है, देखिए इस तरह से, और ये क्या है, इसमें ढक्कन लगा है, जैसे ही इसमें जीव आता है ढक्कन बंद, और एक इमेज है इस तरह, ये आकर्षित होकर ये क्या है, एक कीट आया, अब जैसे ही ये इसमें थोड़ा प्रवेश करेगा ये ढक्कन बंद हो जाएगा, इसका भच्चर हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कीट भच्छी पौधा कहते हैं। तो कीट भच्छी पौधा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है आपका, घटपर्णी निपेंथिस, चलिए और क्या पॉइंट्स है, ये भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, याद रखिएगा, भारत के साथ साथ कहाँ पाया जा रहा है आपका घटमंडी, इंडोनेशिया में पाया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। एक बार रिवीजन करेंगे, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जा रहा था, तो रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा था। खिजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जा रहा था, तो हमने देखा खिजड़ी वृक्ष आपके राजस्थान में पाया जा रहा था, जो राजस्थान का क्या कहलाता है, कल्प वृक्ष भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये साल भर हरा भरा रहता है, साथ ही बच्चों इस पे बच्चे जो होते हैं इसके पेड़ के नीचे खेलते रहते हैं, बहुत छायादार वृक्ष होता है। और अगर हम निपेंथिस की बात करें तो ये कहाँ होता है, तो ये भारत के मेघालय, अच्छा मैंने जो आपको एक बताया था ना बरगद के बारे में कि भारत का एक जगह है मेघालय, वहीं पर क्या होता है, जीता जागता पुल, उसे जीता जागता पुल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक हूँ क्या करता है, अपनी मरम्मत करते जाता है, इसीलिए अगर आप कोई लोहे का, लकड़ी का या कांच का पुल बनाओगे तो आपको उसका देखरेख खुद करना पड़ेगा, अगर वो टूट गया तो दोबारा वो पुल नहीं बनेगा, किंतु आपका जो वो पुल है आपका जीता जागता पुल जो मेघालय में पाया जाता है, वो अपनी मरम्मत भी स्वयं करता है। तो ये पेड़ प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है, कौन सी पेड़ की बात हो रही है आपके, निपेंथिस की बात हो रही है, जो कीटों का भक्षण करता है, ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। एक सवाल आया कि भाई ये कीड़ों का भक्षण क्यों करता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है। तो ये क्या है आपका, मेघालय है, ये वृक्ष कहां पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, और कहां पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये आपका एक देश है इंडोनेशिया, वहां पर भी मिलता है, साथ ही आपका ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में और क्या पाया जाता है, तो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का भी एक पौधा पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है। निपेंथिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, निपेंथिस वह पौधा जो स्वीकार करता है कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, इनका आकार घड़े जैसा होता है और इनका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, क्या ये शेर, भालू, चीता इनको कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, तो ये छोटे कीड़े मकोड़ों को ही करता है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर, मोहक आवाज निकालता है या खुशबू देता है, खुशबू निकालता है, तो इनका आंसर भी आप लोग स्वयं करेंगे, ये आप लोगों का ही होमवर्क है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, निपेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो निपेंथिस भारत में पाया जाने वाला एक पौधा है, रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं, जड़ से में भोजन भंडार का काम होता है, तो इसका भी आंसर आपको स्वयं देना है। चलिए आज हमारी छोटी सी कक्षा थी जिसके माध्यम से हमने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे, साथ ही आपके जो इंपॉर्टेंट ट्रीज थे उसको भी हमने समझा। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
हमेशा आपके साथ टीम कोको।